हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किसका ड्राइव। तो पिछले आपने वीडियोस देख ली होंगी जिसमें हमने गाड़ी की नंबर प्लेट कराई थी, आगे स्मोक टेप करवाया था, इसका चाबी का काम करवाया था और इसकी पीछे वाली नंबर प्लेट, रिवर्सिबल नंबर प्लेट करवाई थी और सिद्धू मूसे वाले बाजी का स्टिकर लगवाया था। एक और यहाँ पर लगाया था पर वो किसी ने फाड़ दिया, अभी ये पता नहीं किसने किया। चलो कोई बात नहीं, बाद में फिर से लगा लेंगे। और आपने जो टॉर्क हेड जो अब तो आज का बताती कि आज की वीडियो में करना क्या है, तो पहले तो हमने जॉनसिस की टेल लैंप टूटी है गाड़ी की, वो ठीक करानी है। पहले तो ये कराना, और एक मैंने आपको चाबी वाला मसला बताया हुआ कि ये कभी शो करता कभी नहीं, एक वो करवाना है, वो इस चाबी में दिक्कत है, गाड़ी में नहीं है क्योंकि मैंने ये गाड़ी की दूसरी की है, मैंने देख लिया था। और मेरी वाली गाड़ी में ना फॉग लैंप नहीं आते, तो अगले जो मतलब जो हम लेंगे ना वो हम फॉग लैंप इसके लेंगे। बेसिकली सारी ब्रैकेट चेंज होगी, एक ये ड्रॉली भी। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। और गाड़ी की एवरेज देखो, गाड़ी हम होशियारपुर से लेके आए थे 33.9। इसकी भी कमाल है, चेक कर रहे हो एवरेज गाड़ी की। और ये ना हो कि आप फेल समझो, ये देख लो, ये 142 किलोमीटर की ट्रिप है, इस पर गाड़ी ने दी है 33.9 की एवरेज। ये चीज़ पर अब एवरेज गिरेगी ही, क्योंकि जो एवरेज निकाली ना वो इसने निकाली है हाईवे पे। अगर अब गाड़ी चलनी है सिटी में जहाँ पे बम्पर टू बम्पर वाला ट्रैफिक होगा। चलो देखते हैं अब क्या बनता है। पहले तो जाके हम इसकी टेल लैंप लें और जो इसके फोग लैंप्स हैं वो लें, फिर हम जाएंगे पहले सीट पर डाल लें। तो टेल लैंप और इसके फोग लैंप्स लेने के बाद हम जाएंगे राम तलाई इसको इंस्टॉल करवाने, राम तलाई हाँ वहाँ पे जाएंगे। और उसके बाद हम इसकी चाबी का काम करवाएंगे जो ख़राब है, और एक जो लास्ट वो रहता है स्टड, वो भी आज काम करवा ही देंगे। बेसिकली आज गाड़ी ओके रिपोर्ट करा देनी हमने, और अगर हो सके तो कुछ और भी करा लेंगे साथ में। तो गाइस गाड़ी अभी यहाँ पे लगा ली है और इधर आ गए हम शॉप पर, देखते हैं क्या होता है। ये आ गई हैं, ये आ गई है टेल लैंप अमेज की, बात ठीक है। तो ओ गाइस ये मिल चुका सामान, तो कुछ ऐसी हालत फिलहाल। इसमें हमारी टेल लैंप है और इस जो नीचे वाले में है इसमें हमारे फॉग लैंप्स पड़े हुए हैं, जाते हैं जाके इनको इंस्टॉल करवाते हैं, देखते हैं। फिर थोड़ा महंगा हो गया, उसमें 1200 का था, जो टेल लैंप पड़ी वो 1300 कुछ की पड़ी, और जो ये फॉग लैंप वो 2600 कुछ के पड़े। गाड़ी के पास पहुँच चुके हैं, ये है अपनी टेल लैंप न्यू, अबे यार। तो ये अपनी न्यू टेल लैंप गाड़ी की, तो पहले हम इसको करते हैं अनरैप। ओए क्या बात है, बढ़िया है काफी। तो
तो ये तो रही अपनी टेल लैंप, और इसमें है अपनी तो इसमें अपने फॉग लैंप्स, जो ये पार्ट है मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको कैसा है। एक मिनट जरा, जो ये वाला पार्ट है इसकी जगह ये लग जाएगा, और यहाँ पे अपनी आ जाएगी फॉग लैंप। चलो ये चीज़ भी अच्छी हो जाएगी। चलो मिलते हैं फिर आपको, अब इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं। तो बस अंकल हेल्प करवा रहे थे। एक ये अमृतसर में ना लोग हेल्पफुल बहुत हैं, गांव चीज़ें करवा देते हैं। अंकल फ्री थे, वैसे ऑटो रिक्शा वाले थे, फ्री थे, हमारी गाड़ी निकलवा दी। हेलो गाइस, बस हम पहुंच के रामताई पहुंच गए हैं, और इसके बाद अब हमने यहाँ से लेना लेफ्ट टर्न, और अभी हमारे आधे पौने घंटे में काम हो जाएगा, आधा घंटा में, मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, देखते हैं। बाकी बस ये ना इलेक्ट्रिशियन गया हो उस दिन की तरह, तो फिर एक दो घंटे जाएंगे, क्योंकि वो कहीं पर गया ना हो। आ गए हम अपनी परमानेंट जगह, जहाँ पे हमें और हमारी गाड़ी को सुकून मिलता है। मुझे इसलिए क्योंकि मेरी गाड़ी ठीक हो रही होती है, और मेरी गाड़ी को इसलिए क्योंकि वो ठीक हो रही होती है। देख से भाई किधर ने लंच ब्रेक भी ना गया हो, वैसे 5 बजे कोई लंच ब्रेक होता नहीं है, फिर भी भरोसा नहीं। चलो देखते हैं क्या बनता। ओ आ गए ने हजे भाजी, की हाल जे, वधिया। ओ मैं ओ लिया ही फोग लंपा, हाँ इंस्टॉल करनी है वा, जो टेल लैंप लिया थी, चलो वो तो मैं आपे कर लूँगा इंस्टॉल, बाकी तो देख लो। ध्यान ना नवी ले आंदी है, इतनी जल्दी वैसे टूटेगी तो नहीं, पर फिर भी तो एक मिनट, दो हज़ार 2016 से फिर 2018 तक ये आई थी। तो अब इसका बम्पर उतरेगा, ये वाले पार्ट्स उतरेंगे, फिर इसकी का नया लगेगा, फिर इसकी पूरी वायरिंग होएगी, और गाड़ी अपनी रेडी हो जाएगी। तब तक मैं ज़रा गाड़ी की पीछे वाली जो टेल लैंप है वो लगवा लेता हूँ। ये खुल गया है, तो हमको करना क्या है, ये यहाँ से 3 हैं, इसको निकालने हैं, और ये सिंपल सा प्रोसेस है। ये देखो इसका ऑरेंज बल्ब निकल गया, और ये होगी इसकी मेन टेल लैंप। एक हम ऐसे भी कर सकते थे, पर चलो अब तो पता नहीं चला। अब इसके ये पेच पूछ खोल लेता हूँ, इसको इसके अंदर डाल लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो लाइट तो हमने कर दी, अब इसको यहाँ से एक ये पेच है, और दूसरा ये है, इसको खोलेंगे, और ये लाइट है वो बाहर आ जाएगी, इसे करते हैं। तक देखते हैं अपना ये वाला काम किधर तक पहुंचा। तो बेसिकली ये ब्रैकेट है जहाँ पे लाइट होगी इंस्टॉल, और ये पार्ट है, तो इसको हम घर रख लेंगे, देखेंगे नहीं तो उसका करना क्या है। तो ये धीरे, ये कौन सा नंबर पाना है? 8-9 8-9 नंबर, हाँ यहाँ पे 8 है,
उसका साइड 7 है। तो गाइस मैं ये कहना चाहता हूँ, वो कार गई क्या जिसने अपनी गाड़ी पे काम ना किया हो? सॉरी यहाँ से काफ़ी जद्दोजहद के बाद पूरे 2 स्क्रूम से निकल चुके हैं और अब टेल लैंप निकल जानी चाहिए। आए देखो क्या बात है, सक्सेस गाइस। तो अब ज़रा इसको रखते हैं यहाँ पे और जो नई वाली इसको रखते हैं यहाँ पे। दिखने में छोटी लगती है पर एक्चुअल में काफ़ी बड़ी है टेल लैंप्स। यहाँ पे रखी हुई थी ज़रा, ताकि ज़रा मैं क्या पहले स्नैपचैट पे पा दिए। गाइस सक्सेस मिल गई गाइस। ओए टेल लैंप जल्दी कैसे होगी गाइस, चेक करो गाइस। हाँ थोड़ी अटपटी सी लग रही है क्योंकि ये टेंट है, ये है नहीं, बाकी बस देख रहे हो भाई तुम्हारा बन रहा कार गाय, प्रॉपर वाला प्रो कार गाय। गाइस वहाँ पे हमारी लाइट तो इंस्टॉल हो गई है, इनको बंद कर देते हैं हम। और बस हाथ थोड़े से गंदे हो गए हैं, बाकी सब ठीक है। तो फॉग लाइट्स तो अपनी हो गई है इंस्टॉल, सॉरी तो फॉग लाइट्स अपनी इंस्टॉल हो गई हुई हैं। सोला सर तो बस ये पहिए नु की गंदे आ होल्ड रहे है ट्यूब मारे। अच्छा फॉग लाइट ट्यूब के जो होल्डर है और ये पीछे वायर है, बस ये काम होने वाला है। ये है वो पड़ी हुई है, उसके बाद हो जाना सारा काम। 15 मिनट का रह गया बस मैक्स टू मैक्स, उसके बाद हम भी चले। लाइटें होगी फिक्स, तो इन्होंने मैं बताता हूँ किया क्या। इन्होंने पहले यहाँ से लाइट निकाल ली है, फिर यहाँ से अंदर इसको खोल के ये अपने से तार इंस्टॉल करके एक ये पार्ट खरीदा है। ये नहीं बल्ब ऑब्वियसली नहीं, जी वाला पार्ट होता है, ये यहाँ से खरीद के अटैच करके जो इसकी पार्किंग लाइट्स होती है ना गाड़ी की उससे अटैच की हैं, उससे अटैच किए हैं। अब ये यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा दोनों तरफ, वहाँ का हो रहा है 10 मिनट का और काम है, उसके बाद हम फिर वीडियो को एंड करेंगे। बस अब इसको रह गया क्योंकि ये काफ़ी अजीब लग रहा है, एक तरफ से डार्क है, अब ऐसी लग रही है कि ये नहीं है, इसमें पानी घुसा हुआ सारा। बाकी बताना अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो यहाँ से टेल लैंप फिक्स हो गई हुई है, वहाँ पर अपनी नंबर प्लेट पड़ी हुई है, आहो मीटर लाइट के साथ, आहो हाफ लाइट के साथ, आहो आहो लाइट मैं फिक्स करवा रहा हूँ वो पार्क लाइट्स के साथ करवा रहा हूँ, मतलब इसके साथ जैसे ये जगह और साथ में मतलब लाइट भी जग जाएगी। तो अब वहाँ तक तो फिक्स कर दिया, बस आगे ब्रैकेट लगानी है और पीछे से हल्की वायरिंग करनी है जो कि इस एक मिनट इस लाइट की साथ। फाइनली लाइटें हो गई हैं इंस्टॉल, प्रोसेस मैंने आपको बता दिया था, जल्दी जाते हैं और इसको करवाते हैं नई। तो हम इसको रखने जा रहे हैं,
क्या हुआ? अच्छा, मेरे को लग रहा है वो फिट नहीं हुआ, पर हो गया फिट, हो गया फिट। आहो, हो गया। हल्का सा बाहर उसको अंदर डालना बस, बाकी हो जाएगा। अब लग रही नई जैसी। तो भाई यहाँ से अपना काम हो गया है, आपको अंकल साइड है ना थोड़ा सा, एक लुक देता हूँ कि ऐसे बन के आई है गाड़ी, कैसी लग रही कमेंट्स में बता देना। गाड़ी ने फिर से धोखा दे दिया है, ये देखो। अब भाई होगा कि बैटरी करे चार्ज, क्या यार इतना अच्छा खुश था कि लगे, मेरे ख्याल से लाइटें शायद से थोड़ी देर, ज़्यादा देर तक ऑन कर ली थी। धन्यवाद अंकल, थैंक यू। बैटरी भी चेंज करा दूंगा। तो गाइस मिलते हैं आपको कल नए ब्लॉग के साथ।